अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं शैमा अपने चैनल कुकिंग विद शैमा खान में आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। आज बनाने जा रही हूँ इंस्टेंट खीर, जिसे हम बनाएंगे कुकर में और बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनाएंगे। हम ऐसे चीज़ों से बनाएंगे जो हमारे घर में हर वक्त मौजूद होती हैं और बहुत ही आसान तरीके से बहुत झटपट बनाएंगे। और इतनी आसान सी रेसिपी है कि बर्तन में हम कभी अगर आपने खाई हो खीर बनी हुई तो इसका टेस्ट बिल्कुल वैसे ही आने वाला है, उतना ही सौंधा होगा। और इसमें हम कोई भी कलर नहीं ऐड करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है। तो बिल्कुल हम बनाएंगे और बहुत ही सौंधी सौंधी सी खीर बहुत ही झटपट से। चलिए इसको देखते हैं बनाएं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए। यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिए हैं रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाले चावल, जिसे मैंने एक कप से थोड़ा कम और आधे कप से ज़्यादा लिया है। यहाँ पर मैंने उसे थोड़ा सा दूध डालकर हल्का सा ग्राइंड कर लिया है। मैंने 5 लीटर का कुकर लिया है, उसमें मैंने 3 लीटर दूध, जिसे मैंने पहले से बॉयल करके रख लिया था, उसे ऐड कर दिया है। अब उसमें डालने के बाद मैंने ये दूध इसमें सारा ऐड कर दिया है और किया है पफेलो मिल्क का, उसको मैंने इसमें डाल दिया है। डालने के बाद अब मैंने जो चावल ग्राइंड करके रखे थे उसे मैंने इसमें ऐड कर देना है। ये मैंने चावल देखिए इस तरह से इतना ग्राइंड कर लिया है, इससे क्या होगा कि हमारे चावल बहुत जल्दी पक जाएंगे और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब मैं इसे सारे चावल को इसमें ऐड कर दूंगी और जार भी जो भी चावल लगे हो उसको भी धोकर इसी में डाल दूंगी। थोड़ा सा पानी डालकर उसे धो लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद मैंने इसे हमें लिड अंदर से नहीं लगानी, हमें धीमी आंच पर इसे खोला लेना है। जब इस चावल लेकिन बीच बीच में हमें चलाते रहना, जिससे कि चावल नीचे लगते हैं तो वो लगने नहीं चाहिए, नीचे बैठता है चावल ना, तो स्टार्टिंग में तो हमें इसे चलाते रहना है। और एक जब बॉयल आ जाएगा ना तो उसके बाद हमें दूध में बॉयल आ चुका है, अब इसे अंदर से हम लीड लगाकर धीमी आंच में 30 से 35 मिनट तक पका लेंगे। और इसको पकाने के बाद मैंने इसे जब खोला है तो देखिए इसमें कितना अच्छा, इसमें इतनी मोटी सी मलाई पड़ी है कि बस देखिए मज़ा आ जाएगा। और इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया है कि बस देखते ही लग रहा है कि ये किसी मिट्टी के बर्तन में बना हुआ दूध है। और इसका टेस्ट भी उतना ही सौंधा है। तो देखिए हमारे चावल यहाँ एकदम गल चुके हैं, लेकिन इसको अच्छा सा स्मूथ टेक्सचर देने के लिए हम इसमें थोड़ा सा मथानी 2 बार मत देंगे, जिससे कि हमारी टेक्सचर जो खीर का टेक्सचर है बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए सिर्फ हमें ये करना है। मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिससे मैंने काजू, बादाम और यहाँ पर नारियल लिया, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप शक्कर लिए यानी शुगर दिया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कुछ चीज़ें और डाल सकते हैं या कुछ इसमें से स्किप भी कर सकते हैं। बाद मैंने देखिए काजू और बादाम को इस तरह से कूट लिया है, जिससे कि इसका टेक्स्चर बहुत अच्छा आएगा खीर का। कुछ पाउडर होगा और कुछ खड़े हमारे ड्राई फ्रूट्स होंगे, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगते हो। और इस तरह से पड़ा हुआ नारियल इस खीर में, और जब बहुत खीर बहुत चिल्ड हो और इस तरह का नारियल मुंह में आता है ना, तो इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब लगता है। इतने बड़े बड़े नारियल को इसमें कट करके डाला है। अब इन सब चीज़ों को इसमें मैंने मिला दिया। यहाँ मैंने 1 चम्मच लिया है इलायची पाउडर, इसको डाल दिया, और 1 चम्मच मैंने इसमें केवड़ा वाटर डाला है। इन सब चीज़ों को डालकर इसको अच्छी तरह मिला दिया। यहाँ मैंने 2 चम्मच प्योर घी का यानी देसी घी डाला है, सबको ऐड करके अच्छी तरह से मिला दिया और धीमी आंच 10 मिनट तक हम इसे धीमी आंच पर पकाएंगे, जिससे इसकी चीनी भी गल जाएगी और ये थोड़ी और ठीक हो जाएगी। देखिए हमारी खीर बिल्कुल किसी खोए और मावे के बिना बनकर बिल्कुल तैयार है। ये इंस्टेंट खीर है, जिसे कि आप कभी भी किसी मेहमान के आ जाने पर या कभी अचानक आपका दिल करता है तो आप इसे 1 घंटे में बनाकर खा सकते हैं। तो मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगती तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल ज़रूर दबा लीजिए, जिससे आने वाली मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलूंगी नई और इजी रेसिपी के साथ। थैंक यू, अल्लाह।